gag order. What's up? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. देखिए सर, हमने पिछले दो सालों से यही हर जगह जाते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म का कयाम अमल में लाया जाए, मगर मेरे ख्याल से वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सिर्फ इन्हीं साइन बोर्डों पे ही ज़्यादा तवज्जो देती है, तो और किसी पे तवज्जो नहीं दे, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट तवज्जो नहीं दे रहा है यहाँ हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट को। आपने देखा है यहाँ कितना दिलफरेब मंज़र आपने जो देखा है यहाँ पे हमारे शोपियान में, ये तो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, मगर गवर्नमेंट की नज़र से ये उजल हो गया है। अगरचे हमने मनोज सिन्हा जी से भी अपील की थी, हम भी उनसे मिले थे, तो उसने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि इस साल हम शोपियान में टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, मगर पता ही नहीं है कि ये डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे हैं कि वो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारा जो शोपियान है जिस शाहरा पे है खड़े हैं इस वक्त, ये मगर शाहरा के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ से जो चार पांच जगह जो मुंतखब की गई है ये टूरिज्म मैप पे लाने के लिए, कि अभी तक नहीं हुआ है। जो हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं जो डिग्री याफ्ता घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत तवज्जो दी जाए यहाँ पे, अगर सिर्फ टूरिस्टों को यहाँ एक बार लाया जाए, वो फिर खुद ही बार बार चले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऐसा मंजर है जो दिल को छू लेता है। फिर न टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कोई ज़रूरत थी, न किसी और को कोई होगी यहाँ पे। सिर्फ एक बार उनको लाना था यहाँ पे, टूरिस्ट को सिर्फ एक बार यहाँ लाना था, तो बाकी वो खुद ही फिर यहाँ आ जाते, हमारी जो तरक्की हो जाती यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान की, वो भी एक मुमकिन हो जाती, और जो बेरोज़गार नौजवान है जो डिग्री याफ्ता नौजवान है वो भी इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट में शरीक होके तो अपना रोज़गार भी कमा सकते थे, और पूरी तरह हमारा शोपियान डिस्ट्रिक्ट आबाद हो जाता।